तो देख सकते हैं अभी हम लोग उपस्थित हो चुके हैं मछली दुकान में। हमारे साथ देखिए एमएस कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के। अच्छा लग रहा है ना? तो देख सकते हैं उमेश को बहुत अच्छा लग रहा है और मछली का जो क्वालिटी है, क्वालिटी देखकर उमेश के मुंह में पानी आ रहा है। क्या कई दिन के बाद मतलब मछली खाने का मौका मिल रहा है, 3-4 साल के बाद। तो सोच सकते हैं उमेश कितना मतलब सब्र वाला इंसान है कि 3-4 साल के बाद मछली खा रहा है। और वैसे क्या क्या खा लेते हैं? खासी मुर्गा। अब बंडा चलता है कि नहीं? अच्छा बंडा नहीं चलता है, तो देख सकते हैं बंडा नहीं खाता है। बहुत अच्छा बात है कि सबका अपना अपना शौक होता है। तो देख सकते हैं गांव के कुछ बच्चे फुटबॉल यहां पर खेल रहे हैं, डेली प्रत्येक दिन यहां पर खेलते हैं और बड़े बड़े मैच का भी यहां पर आयोजन होता है ग्रामीण स्तर पर। तो देख सकते हैं अभी हम लोग इधर पहुंच चुके हैं और हमारे बीच देख सकते हैं उमेश के हाथ में ये मछली बन कर पूरा तल कर तैयार हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं आगे कहीं पर अच्छा सा स्थान देखेंगे, इसके बाद वहीं पर हम लोग खाएंगे। तो फिलहाल अभी देख सकते हैं इधर का नज़ारा, अभी शाम हो चुका है, 5:30 बज रहे हैं शाम के। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग नदी तरफ जाते हैं क्योंकि उधर का वातावरण थोड़ा सा बहुत ही अच्छा होता है, तो उधर ही जाएंगे और उधर जाने के बाद हम लोग खाएंगे। और ये जो मछली का पार्टी जो रखा गया है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर 571 फॉलोअर हो चुके हैं, तो हमें लगा कि थोड़ा सा क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए, इसीलिए हमने थोड़ा सा एक छोटा सा पार्टी का आयोजन किए हैं जिसमें हम लोग 3 व्यक्ति हैं, जैसा कि देख सकते हैं उमेश और आगे प्रकाश जी। और प्रकाश जी से हम पूछना चाहते हैं, थोड़ा सा हम लोग का इधर रास्ता थोड़ा सा ख़राब है, तो थोड़ा सा उतर लेते हैं इसके बाद बात करते हैं, नहीं तो गिर भी सकते हैं, दिखा सकते हैं रास्ता कैसा डेंजर है। अच्छा जो हम लोग जो मछली लिए, ये कौन सा मछली था? टेंगरा मछली था ना, जिसको दूसरा शायद भाषा में इसको बलिया बोलते हैं। बलिया नहीं है, बलिया मतलब बलिया का उप जाति है। कितना मतलब पड़ गया था? 150 रुपये पर केजी दिया, 75 का आधा केजी और 50 का भूजा आए, तो 7×5=12, 125, लेकिन वो 130 काट लिया हम लोग से। हाँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेहनत भी लगता है, तेल मसाला हो गया और जानते ही हैं कि किस तरह से महंगाई है ना, महंगाई तो है ही, साथ में है जो अगर इंसान को इच्छा हो तो इच्छा के आगे सब कुछ हार है, मिल गया वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। और हम लोग का पंचायत में ये अच्छा मैंने दुकान भी खुला क्योंकि ताज़ा मछली भी सेल करता है, तो कोई गेस्ट आ गए, हित मेहमान आ गए, तो आदमी तुरंत आएगा साइकिल से, बाइक से, जिसके पास जो साधन है वो आराम से आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, जैसा भी हित नाता है ले जाके खिलाएगा, तो ब्रॉयलर से कहीं अच्छा। और जो दुकान आपने देखा था जहाँ पर मछली तला जा रहा था, वे उपेंद्र चौधरी जी का है जो कि उसी निवासी है, उसी निवासी है। वो घूम घूम के मछलियाँ, हाँ, पहले मछली सेल किया करते थे, लेकिन उनको लगा जो नहीं कहीं एक जगह बैठ कर दुकान खोले तो अच्छा होगा, ताज़ा देते भी हैं, बना के भी देते हैं दोनों तरफ से। तो अगर आप देख रहे होंगे दोनों पंचायत के व्यूअर्स और साथ ही अगर पलामू प्रमंडल के, तो मैं बता दूं जो चीफ एंड बेस्ट एकदम पर केजी अगर कहीं जाए तो 80-90-120 के हिसाब से भूलता है, लेकिन ये 50 का ही लिया केजी पर। तो अगर आप थोक लेंगे तो सस्ता भी आपको दे सकते हैं, और शादी विवाह के लिए अगर आपको अगर इच्छा होगा तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्विंटल 2 क्विंटल वो प्रोवाइड करवा देंगे। अभी हम लोग फिलहाल नदी में पहुँच चुके हैं,
और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं नदी में इंजॉय करने, घूमने फिरने। ये देखिए अपने शायद ससुराल से आ रहे हैं, पूरा इसमें कपड़ा है इनका, ससुराल नदी ये पार है। क्या हाल है? ठीक है हाल है। हाँ। तो ये लोग अभी आ रहे हैं नदी से उधर से। मछली है। हाँ, तो इधर का देख सकते हैं व्यू। हम लोग अभी कोयल नदी के तट पर पहुंच चुके हैं, मतलब कोयल नदी में पहुंच चुके हैं। अब हम लोग कहीं एक अच्छा सा स्थान देखेंगे, इसके बाद हम लोग बैठेंगे। तो आइए, बहुत हमारे बीच जो उमेश कुमार हैं बहुत शांत नज़र आ रहे हैं। ऐसे शांत नज़र नहीं आते हैं, कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, कुछ ना कुछ शायरी बोलते रहते हैं। तो आज भी ये शांत नहीं रहने वाले हैं, कुछ ना कुछ सुनाइबे करेंगे। एक हो जाए कोई अच्छा सा नगमा। मंदिर गाने तुम बहुत खूबसूरत। हाँ, तो देख सकते हैं उमेश का यह शायरी था जो कि बहुत अच्छा लगा। तो आइए चलते हैं और थोड़ा सा बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं। आप बोलोग अंत तक बने रहिए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर यह मछली यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम लोग बारी बारी से खाते हैं और खाने के बाद हम लोग घर की ओर जाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छा, मतलब भुंजा गया है, बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है उमेश? बढ़िया। अब हम लोग पानी का भी व्यवस्था लेके नहीं आए हैं और देख सकते हैं यहाँ पर पानी का तो उतना दिक्कत नहीं है। नदी है, नदी में हम लोग चुवाड़ी खानेंगे। और पहले की तरह जो परंपरागत रूप से लोग चुवाड़ी खान कर पीते थे, उसी तरह से हम लोग भी पियेंगे। अब कहीं ना कहीं इस तरह से जो चुवाड़ी खान के पिया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध होता है और बहुत ही ठंडा हो रहता है, पानी पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से हम लोग करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग खा लेते हैं। थोड़ा सा हल्का नमक इसमें है, जाले उतना भी कोई खास नहीं है लेकिन अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा मतलब भूंजे हैं। जो भी भूंजे हैं बहुत ही मेहनत से भूंजे हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर चावल भात रहता तो मज़ा लगता है खाने में, लेकिन व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही खा रहे हैं। यार रोटी रहता तो रोटी में खाने का मज़ा ही कुछ और होता। असल बात हम लोग जल्दीबाजी में ऐसा कर दिए, नहीं तो हम लोग घर से ही रोटी ले लेते हैं, लेकिन हमको पहले से प्लानिंग नहीं था इसके कारण। कैसा लग रहा है खाने में? ठीक है, भुंजाया अच्छा है। कल नमक का मात्रा बढ़ा दिया लोग चावल में खाने के लिए, बहुत बढ़िया था। हाँ। देख सकते हैं कैसा कैसा पीस है, बहुत बढ़िया बड़ा बड़ा पीस है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक चुवाड़ी हमने खान लिया है और ये पूरा तरह से साफ भी हो चुका है। अब पानी पी लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ठंडा पानी है, पीकर मज़ा आ गया। तो अभी फिलहाल देख सकते हैं हम लोग नदी में हैं और चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा। पीछे देख सकते हैं बैल चल रहे हैं, प्रत्येक दिन के भांति यहाँ पर मतलब बहुत सारे बैल आते रहते हैं, चलते हैं। और यहाँ का वातावरण कह सकते हैं बहुत ही खुशनुमा है। और देख सकते हैं प्रकाश भाई अभी मछली को खा रहे हैं, हम लोग का तो खाना वाना हो गया है, पानी भी पी लिए। और बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।